नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा मूवी सफ़र एजेंट कैसे बने। दोस्तों अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे मूवी सफ़र ऐप है, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने का मतलब होता है उसमें कमीशन कम मिलता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप एजेंट आईडी लेते हैं, चाहे जो भी कंपनी हुई, चाहे पे नियर बाय हुआ, स्पाइस मनी हुआ, बहुत से ऐसे हैं। स्टैंड पे देखिए यहाँ पे है रपी पे। अगर किसी से भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंट आईडी लेते हैं तो उसमें कमीशन कम मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर खुद ले लेता है और कमीशन हमें कम देता है। आपको आईडी जब भी लेना है सीधा कंपनी से ले। कैसे कंपनी से लेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप पहले प्ले स्टोर में जाके मूवी सफ़र डालिए, देखिए मूवी सफ़र। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, आ गया देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ मूवी सफ़र। मेरा डाउनलोड है इसलिए ओपन दिखा रहा है, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन कर लेते हैं, देखिए ओपन करने के बाद मेरा MSP कोड है 7116। कैसे दिखता मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसमें सर्विस क्या क्या है। आप आईडी लेने से पहले इसमें सर्विस देख लें, कौन कौन सी सर्विस इसमें मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है प्रीपेड यानी मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद DTH रिचार्ज है, उसके बाद MobiQuick लोड मनी। अगर किसी में MobiQuick कोई चलाता है उस पर आप लोड मनी कर सकते हैं। और ICICI कियोस्क बैंकिंग है, ये आधार कार्ड से अगर पैसे निकालना चाहते हैं इसमें दो दिया है, एक यस बैंक से है, ये यस बैंक से, ये ICICI बैंक से, दो APS इसमें आपको मिल जाएंगे, प्लस यस बैंक प्रीपेड कार्ड। किसी को डेबिट कार्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं, और प्लस मनी ट्रांसफ़र भी है। देखिए मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे है, माइक्रो ATM, इसमें आपको ATM कार्ड से भी पैसे निकालने का सिस्टम मिल जाएगा। भारत बिल पे आप बिजली बिल या कोई भी बिल पे यहाँ पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कोई भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेपाल मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेवल्स मतलब ट्रेन टिकट, बस टिकट, हवाई टिकट आप ले सकते हैं। ICICI कैश डिपॉजिट, अगर किसी भी बंदे का ICICI बैंक में अकाउंट हो उसमें कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें शॉपिंग, देखिए शॉपिंग यहाँ पर दिया है, शॉपिंग इसमें मतलब इसमें अगर कोई सर्विस आती है शॉपिंग करने के लिए, देखिए यहाँ पर IRCTC का अलग से आपको चार्ज लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2999 रुपये लाइफ टाइम के लिए होता है, प्लस अगर आप इस समय डिवाइस लेने जा रहे हैं इसमें इस समय आपको 3500-3600 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मूवी सफ़र दे रहा हूँ 2999 रुपये, और मंत्रा जो आँख से होता है 4000 में। आपको सर्विस में बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। इसके बाद देखिए गोल्ड लोन भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है, और SBI क्रेडिट कार्ड भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, बजाज EMI कार्ड यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ITR भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं, रेड बस का टिकट बुक कर सकते हैं। ये आप TV का चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहां से हो जाएगा। उसके बाद UPI QR कोड, किसी भी बंदे से UPI पैसे लेना चाहते हैं आप उसका मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट डाल के ले सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मार्केट में इस समय आ गए हैं बहुत से ऐप जो धोखेबाज से करते हैं काम। देखिए यहाँ पे आधार पे है, उसके बाद डेमेट अकाउंट, फ्री चार्ज, एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसके बाद मोटर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस है, सब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे MobiQuick टू बैंक, मोव टू बैंक, मतलब तत्काल में आप यहाँ से यस बैंक से और ICICI बैंक से अपने बैंक में पैसे ले सकते हैं। रिक्वेस्ट मनी, अगर आप इसमें वॉलेट में पैसे डालना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट मनी पे आएंगे वहाँ से ही। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड अकाउंट फॉर मूव टू बैंक, ये नया है। उसके बाद वर्चुअल अकाउंट, मतलब यहाँ होता है वर्चुअल अकाउंट का मतलब जो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से ही वॉलेट में पैसे डाल दें। देखिए कंप्लेन है, बैंक डिटेल है इसका, तो सर्विस इतनी ही है, बाकी आपको ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है। आपको आईडी कैसे लेना मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसे कट करते हैं।
देखिए मेरा मोबी सफ़र, अब इधर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ज्वाइन लिखा गया है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आपका मांगेगा, डिटेल में आपको क्या देना है। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम पे फुल नेम, ईमेल आईडी और एड्रेस, पिन कोड और डिस्क्रिप्शन में मतलब आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो कुछ भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद अपना पूरा नाम डालेंगे, जो भी आपका पूरा नाम हो पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जब भी आपका ईमेल एड्रेस हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आपकी शॉप हो या दुकान करना चाहते हैं, यहाँ पे शॉप एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम ही लिख देंगे और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 दिन के अंदर में फ़ोन आएगा, नंबर होगा 010। मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ, नंबर मैं नंबर आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, 0161। उसके बाद होगा 505, यहाँ पे 0161 से शुरू होगा नंबर। मतलब आप कंपनी से अगर आईडी लेते हैं आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है। कमीशन कितना मिलता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें कमीशन मेरा 10 से 11 रुपये तक है। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको कमीशन कम मिलता है। देखिए यहाँ पे जो ये चल रहा है, यहाँ पे सब दिखाएगा कितना कमीशन हमें मिल रहा है। देखिए एटीएम मशीन वही था, देखिए यहाँ पे हमें 10 रुपये तक कमीशन मिल रहा है। आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो 10 रुपये कमीशन मिल रहा है। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो 7 रुपये 8 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि वो 2 रुपये अपना ही खा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। इसलिए आप जब भी आईडी लें किसी भी कंपनी का तो आप डायरेक्टली कंपनी से लें। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।